हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई चावल। तो सबसे पहले ये राई है, सरसों, यहाँ कड़ी पत्ता, मिर्च और प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक। तो सबसे पहले हम कढ़ाई बैठा लेंगे गैस पे। ये बचे हुए चावल का बना सकते हैं या फिर जो रात का बच गया है वो भी आप ऐसे फ्राई करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ तो सब खा लेते हैं, ऐसे कर दो। तो सबसे पहले तेल में हम सरसों डाल देंगे, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। वैसे तो आप लोग बनाते ही होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखिए, आप भी एक बार ऐसे ट्राई करके देखिए और कमेंट करिए, बताइए कि आपका भी स्वाद बना था कि नहीं। तो इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। देखिए यहाँ ये पिंक कलर का हो गया है, तो ऐसे ही भूनना है, इसको लाल नहीं करना है। उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको आप ढक के भी पका सकते हैं ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए। यहाँ देखिए हम चावल ताज़ा बनाए थे, अगर आपका बचा हुआ चावल है तो उसका भी बना सकते हैं। हमें ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम ताजे का भी खा लेते हैं, हमारे यहाँ सब खा लेते हैं। उसके बाद हम 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी थोड़ा सा डालना है और नमक अपने चावल के हिसाब से डाल लीजिए। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो चावल में भी डाल सकते हैं। उसके बाद मिला देंगे। उसके बाद हम चावल डाल देंगे, नमक मत डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ हम एक हाथ से नहीं पकड़ पा रहे थे तो दूसरे हाथ से पकड़ के चला रहे हैं। इसको भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि नमक अच्छे से मिल जाए चावल में। उसके बाद हमारा फ्राई चावल तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।